मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अमित शाह जी ने विगत 5 वर्षों तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और मैं कह सकता हूं कि बहुत ही सफलतापूर्वक अपने इस दायित्व को उन्होंने निभाया है। श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई है और इतना ही नहीं, केंद्र का जब चुनाव हुआ है अपने आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उस समय भी पूरी व्यवस्था की संगठनात्मक सारी जिम्मेदारी स्वयं अमित जी ने ही निभाई है। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है तो अमित जी का स्वयं यह आग्रह था कि हमारी व्यस्तता मंत्रालय को चलाने में स्वाभाविक रूप से रहेगी, इसलिए बेहतर यह होगा कि किसी दूसरे को अध्यक्ष का दायित्व तो दिया जाए। फिर पूरे संसदीय बोर्ड ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसका भी यह आग्रह था कि अमित जी अभी इस दायित्व को संभालें और आगे तक अमित शाह जी इसी दायित्व का निर्वाह करें जब तक कि विधिवत सदस्यता का अभियान समाप्त नहीं हो जाता है और संगठन का विधिवत चुनाव नहीं संपन्न हो जाता है। लेकिन अमित जी का ही आग्रह था कि नहीं, हमारी व्यस्तता इतनी अधिक रहेगी कि मैं ईमानदारी से अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए पूरे संसदीय बोर्ड ने मिलजुल कर यह फैसला किया है कि अब श्री जगत प्रकाश जी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। पूरे संसदीय बोर्ड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, सबने जेपी नड्डा जी का अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ जी, कुछ टेन्योर है कि कब तक उनका ये जितना लिखो उतना पड़ेगा।